के सागर से, जहां फिर से बुलडोजर गर्जा है। हत्याकांड के आरोपियों पर जेसीबी एक्शन देखने को मिला है। अवैध अतिक्रमण पर यह बुलडोजर चलाया गया। बता दें, करेरा देव हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ एक्शन जारी है। सागर के करेरा देव में जमीनी विवाद को लेकर एक शख्स की हत्या कर दी गई थी। मामले में 12 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। फिलहाल प्रशासन का बुलडोजर आरोपियों के खिलाफ जमकर एक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है। यानी जो अवैध निर्माण इन आरोपियों ने करवा रखे थे, उसको बुलडोजर के जरिए तोड़ा गया, नष्ट किया गया। ये सागर मध्य प्रदेश की तस्वीरें, और मध्य प्रदेश सरकार ने भी ये साफ कर दिया कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई का सामना तो करना ही पड़ेगा। साथ ही जो अवैध अतिक्रमण है, उस पर बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिलेगा। और वही तस्वीर इस वक्त सागर मध्य प्रदेश से दिखाई दे रही है, जहां हत्याकांड के आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। खबर एमपी के सागर से, जहां फिर से बुलडोजर गर्जा है। हत्याकांड के आरोपियों पर जेसीबी एक्शन देखने को मिला है। अवैध अतिक्रमण पर यह बुलडोजर चलाया गया। बता दें, करेरा देव हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ एक्शन जारी है। सागर के करेरा देव में जमीनी विवाद को लेकर एक शख्स की हत्या कर दी गई थी। मामले में 12 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। फिलहाल प्रशासन का बुलडोजर आरोपियों के खिलाफ जमकर एक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है। यानी जो अवैध निर्माण इन आरोपियों ने करवा रखे थे, उसको बुलडोजर के जरिए तोड़ा गया, नष्ट किया गया। ये सागर मध्य प्रदेश की तस्वीरें, और मध्य प्रदेश सरकार ने भी ये साफ कर दिया कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई का सामना तो करना ही पड़ेगा। साथ ही जो अवैध अतिक्रमण है, उस पर बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिलेगा। और वही तस्वीर इस वक्त सागर मध्य प्रदेश से दिखाई दे रही है, जहां हत्याकांड के आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है।